आचार्य, नीता मेहता, गोदावरी देवी, रामचंद्र प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानी बाजार, नरकटियागंज। आज का मेरा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड को तीन टॉपिक्स में बांटते हैं। पहला टॉपिक्स है मेजर न्यूट्रिएंट्स, दूसरा टॉपिक्स है बैलेंस डाइट, तीसरा टॉपिक्स है डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। लेकिन आज हम पहला टॉपिक मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फूड जो है, जो फूड हम लेते हैं, चावल, दाल, सब्जी, घी, दही, ये सब जो खाते हैं, तो इन फूड में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट्स 7 टाइप्स के हैं। जैसे यहाँ हमने दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, रफेज। ये 7 मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इन 7 मेजर कंपोनेंट्स जो है, तो इसमें सिर्फ 5 टाइप्स के ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्लस 2 जो है उसको हम कहते हैं डाइट्री फाइबर एंड वाटर। डाइट्री फाइबर का एक अनदर नेम भी है, उसको हम कहते हैं रफेज। ये लेकिन 5 टाइप्स के जो है न्यूट्रिएंट्स, इस ये है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और प्लस 2 जो है वो डाइट्री फाइबर और ये वाटर, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कंपोनेंट 7 टाइप्स के हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मेजर फूड में हमारे अवेलेबल है, वो सिर्फ 5 टाइप्स के हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स है क्या। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट है, और इसके सोर्स हैं यहाँ पे एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। ये न्यूट्रिएंट्स हम एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम सबके सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में अलग से डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है, वो हमें पोटैटो, राइस, मेज, ये सबों में मिलता है, उससे हम हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। दूसरा है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ रिपेयर को ठीक करता है, और ये हमें मिलता है मिल्क में, फिर उसके बाद पनीर में, इन सारे चीज़ों में, एग्स में, चिकन्स में, मीट में, ये प्रोटीन अवेलेबल होता है। और ये हमारे इस इन फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी के सेल्स को, ग्रोथ को, सबको क्या करता है, मेंटेन करता है और रिपेयर करता है। और तीसरा जो होता है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो होता है फैट्स। फैट्स भी जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। फैट्स जो है वो हमें बटर, घी, पनीर, सोयाबीन, ये सब चीज़ में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी क्या है, वो भी फैट्स गिविंग है। लेकिन अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी देता है। कहने का मेरा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को एनर्जी देता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन्स। हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब में विटामिन्स प्रेजेंट है। अगर विटामिन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से, लड़ने की क्षमता देता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कि विटामिन ए है, अगर हमारे फूड में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे बोन वीक हो जाते हैं, रिकेट्स हो जाते हैं। इस तरीके से कई सारे विटामिन्स हैं जिनके डिफिशियंसी से कई डिजीज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मिनरल्स, जिसमें आयरन, फास्फोरस और आयोडीन है। जैसे आयरन जो है उसकी कमी से एनीमिया हो जाती है, फिर आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर बीमारी हो जाती है, जो गले में सूजन हो जाता है। इस तरीके से ये सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के
को मेंटेन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। इन इस तरीके से हमारा डाइट होना चाहिए जिसमें कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। और उसके अलावा अभी पूरा वर्ल्ड कोविड 19 से संकटग्रस्त है और बार बार बात हो रही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, स्ट्रांग रखें। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? हमारी इम्यूनिटी ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे डाइट में अवेलेबल हो। तो आप भैया बन घर पर हैं तो आप समय से हर चीज़ समय से उठें, समय से अपना डाइट लें, लंच लें, योगा करें कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अब आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। अब हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और लास्ट में आप अपना होमवर्क लिख लें। होमवर्क है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स फंक्शन, यही आपका होमवर्क है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। और आपको हम ये सजेस्ट करते हैं कि और डिटेल में आप इसको जानने के लिए, डिफिशेंसी डिजीज ये सब के बारे में जानने के लिए आप अपने बुक से इसका सेल्फ स्टडी करेंगे। और थैंक यू वेरी मच आपको। बस अब नेक्स्ट वीडियो